नमस्कार फ्रेंड्स, सुशीलास किचन में आज हम ना दही के कबाब बना रहे हैं। हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, दही के कबाब ज़रूर खाते हैं, है ना। ये देखिए, ये आजकल ना कर्ड को हैंग करने का बॉक्स भी आ गया है मार्केट में, तो मैंने इसमें कर्ड को हैंग किया है। बट आप कपड़े में भी कर सकते हैं और बिल्कुल जो महीन चलनी होती है ना अपनी, उसमें भी कर सकते हैं, इसकी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये है बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो आइए बनाते हैं हम हैंग कर्ड से कबाब। ओके फ्रेंड्स, हमने ना कर्ड को हैंग किया है। ये आजकल मार्केट में ना कर्ड को हैंग करने के लिए भी इस तरह से आता है। ये जितना भी कर्ड का पानी था ना, ये सारा इसमें निकल गया। ये देखिए, ये कर्ड पूरी तरह से थिक है, एकदम टाइट हो गया है। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स, 2 चम्मच डालेंगे हम मिल्क पाउडर, ये देखिए, हरा धनिया, हरी मिर्ची और थोड़ी सी अदरक, काली मिर्ची डालेंगे स्वादानुसार, नमक, थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्ची, डालेंगे हम पिसी हुई मिश्री और इनको ना हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से। ये देखिए, अब ये ना ये जो हमारा डो है ना, ये थोड़ा पतला है, तो हम इसमें ब्रेड क्रम्स ओट डाल लेंगे। हमने थोड़ा सा डो हाथ में लिया और इसे हमने ब्रेड क्रम में इस तरह से लपेट दिया। और शेप है ना, आप इसकी जो चाहे दे सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से ना हम थोड़ा सा तेल डाल के और इनको अच्छी तरह से शैलो फ्राई कर लेंगे। तवे को हमने इस तरह से ग्रीस कर लिया और जो हमने ये बनाया है ना दही कबाब, ये कबाब हमारे शैलो फ्राई हो रहे हैं और दूसरे हम इस तरह से फिर बना रहे हैं। गैस को ना हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। हमने कबाब की शेप बना ली। अब मैं आपको बताती हूँ ब्रेड रोल हम किस तरह से बना सकते हैं। इसी दही का हम ब्रेड रोल बना लेंगे। ब्रेड हमने ली, वाइट ब्रेड लेनी चाहिए क्योंकि वाइट ब्रेड थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, ये थोड़ी सी हार्ड है। ऐसे स्क्वीज किया ब्रेड को और इसमें हमने थोड़ा सा ये बैटर डाला और फिर से बंद करके ऐसे हमने ये ब्रेड रोल बना लिया। और ये जो रोल बनाया है ना, इसको सूजी में इस तरह से लपेट लेंगे। इस तरह से हम और भी ब्रेड रोल बना सकते हैं। मैंने आपको एक बना के बताया है, भी आप ब्रेड रोल भी इसका बना सकते हैं दही का। ये देखिए, ये ना दही कबाब और ब्रेड रोल, काचर वाली हरी चटनी और सॉस इसके साथ हम सर्व कर रहे हैं। हरी चटनी आप अपनी मनपसंद तरीके से भी बना सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता है ये, ज़रूर से बनाइएगा, एंजॉय कीजिए। फिर से मिलते हैं सुशीलाज किचन में एक नई रेसिपी के साथ। सूजी लगाने से ना जो हमारा ब्रेड रोल है ना, ब्रेड ऑयल को बिल्कुल भी सॉक नहीं करेगी। और इसे अब हम तेल में फ्राई करेंगे। हाँ जी, कैसी लगी आपको ये रेसिपी, बना के देखिएगा ज़रूर और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे हेल्दी, सर्दी आ रही है, बचाव रखिएगा। फिर से मिलते हैं सुशीलाज किचन में एक नई रेसिपी के साथ।